intensity. Okay, ये वाला हम ऐसा यूनिट डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारे तीसरा टर्म अच्छे तीसरे टर्म हमें डिस्कस करें तो अपने हमें डायरेक्टली जीवा हमारे मेन टॉपिक इन दिस चैप्टर विच इज मेजरमेंट. ओके हमें इसमें दिन से मेजर के मिले करो. हाँ ऑब्वियसली वी विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स हम वर्क कर रहे हैं एसडीएम में ऐसा यूनिट्स पर ही डिपेंडेंट रहेगा. ओके दैट इज द लेटर पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. वी विल डिस्कस दैट हाउ टू डू मेजरमेंट व्हाट आर द mistakes that we get on our good measurement or other instrument or on bhul assess so in detail hum dekhe but first hum dekhte hain hum kis tarah term se discuss kare ye bata to aapko maine bhul jaan bhi diye. mass is defined as the amount of matter contained in a body. okay mass ko jab hum define kare to anything okay any matter okay any matter pro jodi mu mass kotha gele mass ko ane bole generally bhar ali ko okay gote je vastu ro kete bhar seta ami tar mass. mass means the amount of matter contained in a body. ta dhara kethi ki vastu ase gote jinsa ba gote kichhi bhi substance ta bhitare kethi ki ame matter ase. matter mane anything which has mass and occupies some space. to ene mass ko ame bole defined as
कोविड र ऐसा यूनिट अलगा अलगा था एडा को हमें बहुत केयरफुली नोट कर लो पड़ेगा वेट र ऐसा यूनिट कुछ न्यूटन मास र ऐसा यूनिट कुछ केजी ओके एडा कोई बार बार गोटे डिफरेंस हम मास और वेट के बहुत टाइम में डिफरेंस है यार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलग पैरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलग हां आउट टाइम और मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस मास और वेट के रहेगा कि मास हमारा सब वाले कांस्टेंट है बट वेट हमारा कांस्टेंट रहेगा काहे कि ना जब ग्रेविटी है सेटा हमारा कितने बड़े बॉडी कितने बड़े कम है फॉर एग्जांपल मैं यदि कोई भी हमारा यदि इक्वेटर इक्वेटर माने हमारा अर्थ जो मझी रे गोटे सेंटर था सेंटर लाइन गोटे अर्थ तो गोटे स्फीयरली को तम मझी रे गोटे सेंटर था जोड़ा हम इक्वेटर को एट दैट पॉइंट हमर ग्रेविटी अधिक जदी हम सेही सेंटर ऑफ द अर्थ रु ऊपर जाओ पोल आड़े आइदर आर्टिक पोल बा एंटार्कटिक पोल ओके हम जदी आर्टिक बा एंटार्कटिक को जाओ एंटर ऊपर आर्टिक था हम एंटार्कटिक तळे था तो हमर ग्रेविटी कमी 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 आसे तो यह द्वारा कौन है ना हमारा वेट कम जाए टाइम ना वेट और ग्रेविटी हमारा डायरेक्ट रिलेटेड यदि हमारा ग्रेविटी बढ़ेगा ग्रेविटी माने जो फोर्स यदि गोटे वस्तु पर हम अधिक फोर्स को केवा जेमि से अधिक स्पीड हो जेबो यदि एटा गोटे कार अछि कि आपर मु यदि किछ अधिक फोर्स देबि ये अधिक स्पीड हो जेबो यदि आपर कम फोर्स दो ये कम स्पीड रे जाउछे सेमि नै यदि ग्रेविटी त हमरो तळु हो एक करे तो यदि मु गोटे गोटे पॉइंट रे ग्रेविटी अधिक अछि माने गोटे पॉइंट रे फोर्स अधिक अछि तो यार वेट अधिक हो माने ये तो एमेदी अछि ओके गोटे टेबल ऊपर ये अछि तो यदि या ऊपर मु अधिक फोर्स देबि जोडा कि हमें कहू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बा जी ग्रेविटी तो एक्चुअली गोटे फोर्स ओके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो मीनिंग एहा कि से केते फोर्स रे से तळु जाउ बट जेहे पीडी ए तळु जाने हमें आप खाली कहो ग्रेविटी इज जस्ट ए फोर्स ग्रेविटी होती जस्ट गोटे हमारो फोर्स नाउ जदि एटा गोटे टेबल ऊपर अछि आ गोटे पॉइंट रे ग्रेविटी अधिक अछि यार माने एहा कि आउर अधिक फोर्स करछि आउ आउ गोटे जदि मु नेबी एटा ओके या ऊपर एटा भी टेबल ऊपर अछि ओके जदि या ऊपर कोई ग्रेविटी करछि बट एटा रे ग्रेविटी कम अछि माने फोर्स कम करछि त मु पर भी या ऊपर अधिक फोर्स करछि या ऊपर कम फोर्स करछि जे तु या ऊपर अधिक फोर्स करछि यार वेट अधिक होबो आ जे तु या ऊपर कम फोर्स करछि यार वेट कम होबो ओके त मु पर अर्थ एटा छला कि जे जेते बेले हमरो ग्रेविटी बढ़ुछि हमरो वेट बढ़िबो जेते बेले ग्रेविटी कमुछि हमरो वेट कमि जइबो तो हमरो अर्थ रे ग्रेविटी सपोज 10 न्यूटन मीटर पर सेकंड पर जडा हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सेटा जे बट हमरो मून रे सेटा 160 हो तो यहां में ये हां कि जदी हमरो वेट अर्थ रे 100 न्यूटन अछि बा 60 न्यूटन अछि फॉर एग्जांपल इज 60 न्यूटन तो मून पर हर 160 हो माने 10 न्यूटन ही ओके सो वेट हमरो सब वाले वेरिएबल इट मे चेंज फ्रॉम टाइम प्लेस टू प्लेस बट मास हमरो केबे चेंज हुए दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट यू मे नोट इट डाउन हियर मास never changes but weight varies from place okay mass can change but weight can not vary next volume volume mane kon volume mane the space occupied by a matter is known as volume kote vastu kete jaga nela any place kete jaga nela seda ko ame koiba volume so we can define volume as the amount of space occupied by matter okay it is the amount of space occupied by matter here the volume
generally volume measurement by amount of length darkar, what a breadth darkar, what a height darkar. Jehetu euda ga gote measurement of length ring hue. Kaina amar length nale bhi meter hue, width nale bhi the breadth nale bhi amar meter hue, amar height bhi meter hue. So volume hoji length into breadth into height. So suppose mu koi bhi eta gote cylinder. Okay. So cylinder ro jadi mu volume kadibi. Tame kimiti kadu? ना तारो गोटे एरिया नहीं जाओ एरिया इनटू हाइट ओके एरिया माने एरिया ऑफ द सर्कल ये जो पेन रो ऊपर वाला सर्कल यार एरिया इनटू हाइट इट ऑफ यार वॉल्यूम इट इज द ये जो पेन हो जो बड़े मैटर ये कितने जगह नहीं दिला तारो वॉल्यूम हो जी एरिया इनटू हाइट ओके नाउ एरिया हो जी हमरो लेंथ इनटू ब्रेड को पाई आर स्क्वायर भी को सर्कल में बहुत बड़ा फार्मूला है एरिया मेजरमेंट रो अब तो मोर इंटेंशन है हमरो यार जे एरिया हो जे हमरो मीटर स्क्वायर जनरली था तो वॉल्यूम रो हमरो जो एसआई यूनिट हो दैट इज मीटर क्यूब क्लियर तो एडी हमरो वेरियस न्यूमेरिकल्स करियो करला बेले बहुत हमरो कन्वर्जेंस करियो को पड़िबो जेरो कि टेबल हमरो बुक्स रे अछि ओके तो जदि बुक्स आपन पाके किछ नै तो आपन मन पीडीएफ पठा दिबो नाइबो आपन देखि कि सेटा करि परिबे ओके नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 एमएल इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन एटा बहुत इंपोर्टेंट सेंटर कन्वर्जन एटा हम हाईली 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 एसेंशियल फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम काइंड ऑफ वॉल्यूम हमरा जनरली तो लीटर रे आयरन आने पड़े नॉलेज हमारे पास ऐसा यूनिट मीटर में है बट समटाइम्स दे विल बी गिविंग दिस यूनिट अब हम को चाहते हैं लीटर रे तो दिस इज अ वेरी स्मॉल इंटर कन्वर्जन जो कि हम जाने पड़े तो पूछवा पे हम को गोटे क्यूब गोटे इमेजिन करियो पड़ेगा क्यूब होजे गोटे स्क्वायर 3D मॉडल 3D मॉडल सपोज आइस क्यूब यदि हम पाखरे गोटे आइस क्यूब अछि ओके आइस क्यूब रे जदि डायमेंशन अछि 1 cm 1 cm 1 cm माने से जो आइस क्यूब बा क्यूब प्लास्टिक क्यूब यदि तार लेंथ 1 cm तार ब्रेड्थ बा विड्थ 1 cm और तार हाइट 1 cm अछि तो सेटा हम गोटे 1 cm क्यूब सेही क्यूब रे जदि हम किछि पानी भरिबा बा एनी लिक्विड भरिबा 1 सेंटीमीटर क्यूब रो वॉल्यूम रे तो जो पानी रो क्वांटिटी थिबो दैट विल बी 1 एमएल दैट्स व्हाई हमे कहो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एमएल क्लियर नेक्स्ट कमिंग टू टेंपरेचर व्हाट इज टेंपरेचर टेंपरेचर इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी यार जो हॉटनेस और कोल्डनेस दिया टर्म अछि ए दिया टर्म एक्चुअली हमर विद रेफरेंस टू द आउटसाइड सराउंडिंग ओके विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर सिस्टम यदि किछ भी गोटे वस्तु रो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस यदि मापियो चेष्टा करियो तो हमें ताको आउ गोटे रेफरेंस देबा फॉर एग्जांपल यदि मु कहबी आइस ओके आइस जितेबा हम फ्रिज रे काडू हम जितेबा धोली ताको सेडा हम ठंडा लगे एथि पय ठंडा लगे कि हमर बॉडी गरम थाय ओके यदि हमर भी यदि बॉडी 0 डिग्री रे था ता हम यदि आइस रख रे था त हम आइस रे ठंडा लागि न थांदा ओके तो एडी जो मु कहू छी हमर आइस रो टेंपरेचर अछि 0 डिग्री सो बा किछि कम अछि लेस देन द रूम टेंपरेचर त हम एडा जो कहू छी इट इज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस टू द टेंपरेचर ऑफ आवर हैंड हमें जो कहू छे आइस रो टेंपरेचर लो छे यार मीनिंग एहा छे
with respect to our hand temperature, amali charge of hand temperature, to ami kiva je with respect to the hand temperature, the ice temperature is low. Jete vele bi ami eta bolchi temperature jete vele bi ami kokote substance to that is always used with respect to something. Okay, there is a degree of hotness or coldness. In coldness or hotness, we should take reference for your meaning. Okay, what a kitchen was good, see, get the hotness or get the coldness with respect to something. Okay, this is the clear cut definition of temperature. Temperature of SI unit in Kali Pogetivi, it is Kelvin. Capital K. Clear? Now, area of Celsius, degree Celsius or degree Fahrenheit of interconversion monorrhea of Podigo, C by 100 is equal to F minus 32 by 180. Okay? Where C is degree Celsius and F is degree Fahrenheit. Celsius and F is degree Fahrenheit. Clear? यार जब तुम एसआई यूनिट का काम करोगे डेंसिटी रो फॉर्मूला था ये मास बाय वॉल्यूम सो इट केजी मास पर एसआई यूनिट और वॉल्यूम पर एसआई यूनिट मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर टू दी पावर माइनस यानी इमीडिएटली डिनोट फॉर डेंसिटी को इज दिस क्लियर एवडा किछटा हमरो
टर्म्स थिला जोडा कि किछि भाग आमे बारे कि मात्रा रे इंपोर्टेंट थाय हमर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रे एंट्रेंस तो करबे बेसली डायरेक्ट क्वेश्चन आसे हम अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट क्वेश्चन आसे या ऑफ व्यू बेसली कि हाउ या ऑफ व्यू बेसली ये भी करे ओ इंपोर्टेंट फार्मूला हमर लेकिन अब बेसली हमर क्वेश्चन बोर्ड रे भी आसे छी एंट्रेंस एग्जाम से भी आसे जेईई एएससी नीट रे भी आसे छी ओके फॉरगेट दैट Next, our next topic of discussion is measurement of various quantities. Okay, now when we start measuring something, I mean, जब तो लोग किसी measurement को, तो obviously हम उसे measurement रे, जिसका जिस सब सम्पूर्ण बिल्कुल. One मुझे numerical value and second thing is a unit. Okay, during measurement. Or for measurement, by any in an experiment, we have two parameters. Okay, one is numerical value, and second one is unit. कौन से भी मेजरमेंट नहीं जाओ एंड ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल वैल्यू अबाउट अ यूनिट फॉर एग्जांपल अपन के कहेगा कि 1 लीटर वाटर आना 1 लीटर ऑफ वाटर ये 1 लीटर ऑफ वाटर है हमें कहेगा ये जो 1 है दिस 1 वी कॉल एज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस लीटर वी कॉल एज द यूनिट Clear? So you take any measurement. Suppose I say 20 liters of petrol. So in this 20 is the numerical value, liter is the unit. If I say 40 kg of sugar, so 40 is the numerical value and the kg is the unit. Okay? So this is our very important information for any measurement. Now, our units are fixed. कहीं ना हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करो किसी भी मेजरमेंट करने फिक्स्ड यूनिट ही देखा है ना जिते यूनिट फिक्स जोटा कि एसआई कर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम से एसआई यूनिट्स सब फिक्स है आम जिते बड़े मेजरमेंट नो सपोज मुझे कि ड्र ए लाइन सेगमेंट ऑफ 1 मीटर लाइन सेगमेंट ऑफ 1 मीटर ओके तो एक तो मीटर हमर जो यूनिट दिस यूनिट जो 1 मीटर ओके सपोज आई टेल यू टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 1 मीटर सो 1 हमर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर में वाला यूनिट हमर तो यूनिट रे कभी किसी मिस्टेक आसी बोले हमर तो मिस्टेक ता आसी बोबा एरर हम इस बड़ा को साइंटिफिकली कहो से एरर आसी बोले ही मान रे नो हुए तो हमें कोई रे कि कभी हमने 1 मीटर को ड्रॉ कर दी है पर इट मे बी 0.99 ओके इट मे समटाइम्स अबाउट 0.998 ओके बा इट कैन बी 1.01 और वी कैन से 1.001 हार्डली कैन मेजर ए वैल्यू एक्यूरेटली हमें एक्यूरेटली बहुत
इसी तरह मैं मेथड यूज करूं एक एरर का रिमूव करेगा वन ओके वन सच मेथड इज साइंटिफिक नोटेशन सो टू रिमूव एन एरर ड्यूरिंग मेजरमेंट y are integers okay to be x of y each of value any value if you can represent it in the form of x into 10 to the power y that we call as scientific notation clear you may note down all these things which can be decimal also general data usually
0.99 मुझे भी ये वैल्यू तो चाहिए भी मुझे इधर को अलमोस्ट में तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ other things.